हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये गलत नाम है। धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। ये शब्द है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के। सनातन की शक्ति को आज हर कोई पहचान रहा है, आज कोई भी हो इससे अनजान नहीं है। अखंड भारत की बात करने वाले और अखंड भारत का सपना रखकर चलने वाले आज जानते हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर इस बीच कोई भी आया तो उसे मिटना ही होगा। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा शहर के गुरु मंदिर पहुंचे मोहन भागवत श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के जन्म स्थान के दर्शन के लिए और महाआरती में शामिल होने पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है, इसलिए यहाँ सभी धर्म फल फूल रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी सी बात है। इससे आज भारत में जो मुसलमान हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं है। वे हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वज के पास आना चाहते हैं आए, उनके मन पर है। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा और किसी कोई भी छोड़ना पड़ेगा। साथ ही भागवत ने कहा, ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसे भी ये भाव छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन अव्यवहार्य बात है, क्योंकि जहां असंतुलन हुआ वहां देश टूटा, ऐसा सारी दुनिया में हुआ। भागवत ने आगे कहा, एकमात्र हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है, इसलिए अनाक्रमकता, अहिंसा, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, ये सब बचाए रखना है। उन्होंने कहा, तिमोर सुडान को हमने देखा, पाकिस्तान बना ये हमने देखा, ऐसा क्यों हुआ? राजनीति छोड़कर अगर तटस्थ होकर विचार करें कि पाकिस्तान क्यों बना। उन्होंने कहा, जब से इतिहास में आंखें खुली तब भारत अखंड था, इस्लाम के आक्रमण और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद ये देश कैसे टूट गया, ये सब हमको इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि हम हिंदू भाव को भूल गए। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, ये अब निश्चित हो गया है। हिंदू अब जागृत हो गया है, इसका उपयोग करके हमें अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना और हमारे पास जो समाधान है उसे प्रस्तुत करना है। भागवत ने आगे कहा, नई नई तकनीक आती जाएंगी, लेकिन तकनीक मनुष्यों के लिए है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर लोगों को डर लगने लगा है, वह अगर निर्बाध रहा तो कल मशीन का राज हो जाएगा। इंटरव्यू में भागवत ने LGBT समुदाय का भी समर्थन किया और कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा, इस तरह के झुकाव वाले लोग हमेशा से थे, जब से मानव का अस्तित्व है, ये जैविक है, जीवन का एक तरीका है। हम चाहते हैं कि LGBT समुदाय को उनकी निजता का हक मिले और वे इसे महसूस करें कि वे भी इस समाज का हिस्सा हैं। ये एक साधारण मामला है, देश में ट्रांसजेंडर भी समस्या नहीं, उनका अपना पंथ है, उनके अपने देवी देवता हैं, अब तो उनके महामंडलेश्वर हैं।